नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जसोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। मैंने ये दे दिए टमाटर आधे किलो, तो कच्चे वाले टमाटर लिए मैंने, हरे टमाटर और प्याज छील ली और मिर्ची, तो ये धोकर ले लिए मैंने, अभी पानी में वॉश कर लिए, इटलिया में रखे थे। तो देखिए कच्चे टमाटर की सब्जी बनाना है यार बहुत अच्छे से, आज देखिए। तो आज कच्चे टमाटर मैंने लिए हैं, तो इनको ही काटूंगी अब। तो मिर्ची अलग कर लेते हैं, चलो काटेंगे अब इन्हें। इस तरीके से हम कच्चे काट लेंगे ऐसे। तो टमाटर काट लिए, तो अब काटूंगी प्याज। प्याज काट ले रही हूँ अभी इस प्लेट में ऐसे। तो हरी मिर्ची भी काट लूंगी साथ में। ऐसे बड़ी वाली है तो दो फांक करके काट लेंगे। मैंने गैस चालू कर दिया, कढ़ैया रख दी। अब कढ़ैया में डाल दिया तेल, तो तेल भी गर्म हो रहा है। तेल गरम हो गया, धुआं आने लगा, तो अब इसमें डालूंगी जीरे आधे चम्मच करीब, मैंने हाथ से डाले हैं। तो जीरे चटकने लगे, तो इसी में डालूंगी जो प्याज और हरी मिर्ची काटी थी मैंने, तो ये दोनों चीज इसको डाल दूंगी। चलाऊंगी गोल्डन होने तक, तो पकाऊंगी। तो दोस्तों मिर्ची और प्याज सेक ली मैंने बहुत अच्छे से, ये भुंज गई। तो अब डालूंगी टमाटर, तो ये कच्चे टमाटर हरे वाले देखते रहे, कितने अच्छे दिख रहे दिखने में। तो देखती हूँ बढ़ के, चला दूँ अच्छे से, तो ये पक गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हल्दी और धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची है। मैंने हरी मिर्ची पहले डाल दी, तो लाल मिर्ची नहीं डाल रही हूँ मैं, जरा सी डाली है। तो अब जो डाल देती हूँ, अच्छे से चला दूँगी, सारा मसाला मिल जाएगा। तो आप फिर से ढक दूंगी, बीच बीच में चलाते रहूंगी। तो दोस्तों सब्जी हमारी हो गई, देख सकते हैं, ये देखिए। तो हमने ज्यादा गीली नहीं बनाई, थोड़ी सी गीली करी है। तो इस सब्जी हो गई, तो इसको हटाते हैं। तो तवा में तवा रख दिया, और दोस्तों इतने हमने आटा लगा लिया, तो ये है चावल का आटा और एक गेहूं का। रोज नॉर्म रोटी बनाते हैं डेली जो वाला, और जो चावल का आटा है। तवा गर्म हो रहा है, अभी देख तक बेलते हैं। तो दोस्तों गेहूं की रोटी बना ली मैंने, अब बना रही हूँ चावल की। तो चावल की रोटी भी बिल्कुल ज्वार की तरह बनाना पड़ता है, और मक्के की रोटी भी ऐसे ही। तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा आराम से, ताकि टूट ना जाए। और हाथ की बनती है जब ये अच्छी बनती है दोस्तों जो, ये देखिए पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है। अब बन गई है, मैं डाल दूँगी। तो ये होएगी, अब इसको फिर पलटेंगे। तो दोस्तों ये बन रही, देखिए चावल की रोटी ऐसे सिक रही है। तो गैस पे दोस्तों ऐसे सिकती है, ज़्यादा अच्छी नहीं सिक पाती, जैसे चूल्हे पे सिकती है ऐसे। चूल्हे की रोटी और टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से सेक लेंगे दोस्तों। दे देखिए गेहूँ की रोटी और चावल की रोटी जी। तो ये मैंने बना ली पहली, टमाटर की, कच्चे टमाटर की बहुत अच्छी सब्जी बनी। और आप भी ज़रूर बना के एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखिए। और रोटी, चावल की रोटी और घी, और ये गेहूँ की रोटी, तो दोनों हमने ले ली। ये देखिए तो बहुत बढ़िया से दिख रही थाली। तो शाम का खाना, शाम को 8 बज रहे हैं, तो हमने बना लिया। और आप भी आइए दोस्तों, खाना खाइए। सर्दियों में चावल की रोटी बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर बना के खाइए। तो ऐसी फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।